दार उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण तेईसवें खंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, आरंभ हुआ है। इसमें मंत्र में कहा था यद्वै तन्न पश्यति, जो तत्मय तत्र उस अवस्था में न वही पश्यति। पूर्व पक्ष ने कहा था उस काल में नहीं देखता, चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती। चैतन्य होता तो वहाँ भी ज्ञान होना, विषयों का ज्ञान होना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा में चैतन्य नहीं है, उसका चैतन्य आगंतुक है। आगंतुक है जैसे काम आदि आगंतुक है, काम करवा आते जाते हैं, इस प्रकार चैतन्य भी आगंतुक है, आत्मा चैतन्य नहीं है। ये पूर्वज ने कहा था यद्वन जो तत्पर तत्र न वही पश्यति, उस काल में नहीं देखता। यदि चैतन्य होता आत्मा में, चैतन्य स्वरूप आत्मा होता तो देखना चाहिए सुषुप्ति अवस्था में। ऐसी शंका थी आदि की, उत्तर दिया पश्यन वही तन्न पश्यति स्तुति बोलती है। देखता हुआ नहीं देखता है, वहाँ स्वरूप ज्ञान है, वहाँ विषय का ज्ञान नहीं, विषय का अभाव ज्ञान, विशेष ज्ञान का अभाव है, विषय नहीं। सुषुप्ति अवस्था स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं है, स्वरूप ज्ञान को वहाँ अनुभव है। इसलिए जागृत में आने के बाद बोलता है सुखम अहम अश्वापसम, ऐसा बोलता है, मैं सुखपूर्वक रहा सोया। स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं है, देखता है, देखता हुआ नहीं देखता, ऐसा बोलता है। पश्चिम भाई भाई प्रसिद्ध है, देखता हुआ नहीं देखता, उसका स्वरूप का ज्ञान है, उसको विशेष ज्ञान का अभाव है। नहीं द्रष्टुर दृष्टिर विपरीत लोगों विद्यते अविनाशित्वाद, एक दृष्टा की जो दृष्टि माने साक्षी है, दृष्टा ये प्रमाता, ये प्रमाता के जो साक्षी है, इसकी दृष्टि का विपरीत अभाव नहीं होता। नहीं द्रष्टु दृष्टि अथवा दृष्टारूपी जो दृष्टि अवेद कर देना, दृष्टारूपी जो साक्षी है उसका अभाव नहीं होता कभी नहीं। सुषुप्ति में भी है आत्मा, साक्षी भाव से है आत्मा सुषुप्ति, प्रमाता भाव से नहीं है। जागृत स्वप्न में प्रमाता बन के काम करता है, वो वहाँ नहीं, साक्ष भाव से है। क्यों अविनाशी द्वार बोल दिया, दृष्टा की जो दृष्टि है साक्षी रूप दृष्टि अविनाशी है, अविनाशी नहीं हो उसका अभाव नहीं होता। यदि वहाँ दृष्टि है तो फिर क्यों नहीं देखता, एक प्रश्न उठेगा। विश्व का ज्ञान क्यों नहीं होता यदि साक्षी है वह, तो कहते हैं न तो तत्तीयम अस्थित तथो अन्यत यद विभक्तम पश्य तथो अन्यत, उस साक्षी से अतिरिक्त वस्तु न तो तद्वितीय वस्तु, अत्यंत वस्तु है ही नहीं, केवल साक्षी मात्र है, आत्मा मात्र है। वहाँ देखने के लिए इंद्रिया की आवश्यकता, देखने वाला और देखने के साधन और देखे जाने वाला पदार्थ त्रिपुटी चाहिए, दृष्टा दर्शन दृश्य तीन हो तब देखना होता है, किंतु वहाँ पर द्वितीय वस्तु नहीं है, दूसरा वस्तु नहीं है, साक्षी मात्र है। न तो तद्वितीय वस्तु का दूसरा पदार्थ वहाँ नहीं, तत्र ततो अन्यत उस आत्मा से भिन्न, तथा आत्मा उस आत्मा से भिन्न पदार्थ कोई वहाँ विभक्तम यद पश्य, विभक्त पदार्थ है ही नहीं कोई, जो जिसको देखे वो है ही नहीं, वहाँ वस्तु नहीं है, वहाँ आत्मा है वस्तु नहीं है। देखने के लिए वस्तु की आवश्यकता है, कारण की आवश्यकता है, कारण भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, वहाँ देखने के साधन भी नहीं, जिसको देखना वस्तु भी नहीं, इसलिए नहीं देखता। पश्चन भाई तन्न पश्यति, देखता हुआ आत्मा साक्षी भाव से देखता हुआ है, होते हुए विशेष विषय न होने के कारण न देखता हुआ न पश्यति बोला है। एक इसको मंत्र के ऊपर एक वार्तिक है, नहीं द्रष्टुर दृष्टि इत्यादि वार्तिक बोला, नहीं द्रष्टुर दृष्टि विभिन्न रूप में देते अविनाशत्वादि इत्यादि जो मंत्र है इसके ऊपर वार्तिक कहते हैं। नहीं दी हेतु वचनम प्रतिज्ञातार्थ सिद्धिकृत द्वि प्रकारो विनाशस्य द्विहेतुत्या निषिध्यते। नहीं इति हेतु वचनम, जो नहीं द्रष्टुर दृष्टे विप्रलोपो विप्रलोप विद्युत अविनाशित्वा जो कहा हुआ है इसके बारे में बोलते हैं। नहीं सिद्धांत बोला इत्यादि जो हेतु कहते हैं, जो प्रतिज्ञा की थी जिसकी सिद्धि के लिए पश्चिम भाई तन्न पश्यति बोला हुआ है, देखता हुआ नहीं देखता प्रतिज्ञा। सुषुप्ति में स्वरूप का ज्ञान है, विषय का अभाव कारण न पश्यति बोला, उनको जो सिद्धि करना उसी को है पश्चिम भाई तन्न पश्यति, उसके लिए हेतु वाक्य है नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरीतों को विद्यते अविनाशित्वा न तो तद्वितीय अस्ति आदि, नहीं तद्वितीय अस्ति,
नहीं द्रष्टुर दृष्टि विप्लोपित अविनाशित्व दो हेतु इसलिए है कहते हैं। ठीक है दी प्रकार नहीं नहीं ती हेतु वचनम जो नहीं द्रष्टुर दृष्टि इत्यादि वचन है हेतु है सिद्धि का मैं किसको पश्चिम में न पश्चिम की सिद्धि के लिए हेतु है उसका हमें देखता हुआ नहीं मान स्वरूप है आत्मस्वरूप है विषय नहीं है कहानी ये सिद्धि के लिए हेतु है नहीं दृष्टि द्रष्टुर दृष्टि विपरीत रूप विद्य थे अविनाशित्व दृष्टा की दृष्टि का कभी अभाव है साक्षी की दृष्टि साक्षी रूप दृष्टि हमेशा है अथवा प्रमाता के जो दृष्टि वाले साक्षी है उसका अभाव नहीं है अविनाशी है वो यही दिया एक द्वि प्रकारों विनाश अच्छा द्विर हेतु दो प्रकार का विनाश कार्य का विनाश दो प्रकार से कारण के नाश से कार्य का नाश अथवा कार्य के नाश से कारण का नाश में कारण भाव में जाता घट फूट जाता है नष्ट हो जाता है वृत्ति का रूप में रह जाता है वह कार्य क्या मिलाय हुआ है कारण का नाश नहीं हुआ इसको सांडवय नाश बोलते हैं उसका संबंध हुआ घट का संबंध कहाँ हो गया वृत्ति का में हो गया इसको सांडवय नाश कहते हैं और निरन्वय नाश उसका नाम है जब धागा ही जला देंगे धागा ही नहीं रहेगा तो पट नहीं बनेगा निरन्वयनाश कारण नाश के माध्यम से कार्य का नाश कारण का नाश करने पर कार्य का नाश स्वतः ही हो जाता है इसको निरन्वय नाश बोलते हैं दो प्रकार का नाश आत्मा में है एक कोई शंका करे तो दोनों प्रकार का नाश आत्मा में हो नहीं सकता इसके लिए दो हेतु दिया कहते हैं नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपलों को विद्यते एक हेतु दूसरा हेतु अविनाशित्व के कारण है द्विप्रकारो विनाशश्च दो प्रकार का विनाश होता है वो विनाश आत्मा में नहीं है दोनों प्रकार का नहीं है ये दिखाना है नहीं के द्वारा नहीं के द्वारा ये कहना है दो द्विप्रकारो विनाशश्च द्विर हेतु क्या दो प्रकार के हेतु कहा है हेतु क्या बोला नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपलों को विद्यते एक हेतु दूसरा हेतु है अविनाशित्व आत्मा में दोनों प्रकार का नाश नहीं है निरन्वय नाश भी नहीं है क्यों कारण नाश से कार्य नाश करने का आत्मा से ऊपर कोई हो आत्मा से अतिरिक्त ऊपर कोई है कारण नहीं है आत्मा का इसलिए निरन्वय नाश होना संभव नहीं है कारण नाश के द्वारा आत्मा का नाश नहीं होता क्यों उसका कारण नहीं है और कार्य नाश के कारण कारण का नाश नहीं होता सब कार्य का जो नाश होगा उसके साक्षी रूप से अभाव को देख रहा है उसका जितने भी थूल जगत सूक्ष्म जगत जितने भी देश सबका नाश है कहाँ सुसुप्ति अवस्था में उसको दृष्टा बन के देख रहा है साक्षी रूप से हाँ अभी जगत नहीं है अभाव है दिखता है तो कार्य नाश के द्वारा कारण नाश भी नहीं होता दोनों नहीं सान्वय नाश भी नहीं है निरन्वय नाश भी नहीं है आत्मा दोनों नाश नहीं है ये तो वाक्य है नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत रूप में अभिनाथ पर पूर्वादि ने जो शंका उठाई थी ना उस काल में आत्मा नहीं है सुसुप्ति का आत्मा होता तो विषय को देखना चाहिए चैतन्य नहीं हुआ चेतन नहीं ये कहा था उसका उत्तर ये पश्चिम में तन्न पश्चिदी है प्रतिज्ञा वहाँ देखता हुआ नहीं जानता हुआ नहीं जानता वहाँ ऐसी स्थिति है सामान्य ज्ञान है स्वरूप का ज्ञान है विषय का ज्ञान नहीं क्यों विषय का अभाव के कारण इसी को सिद्धि के लिए कहा नहीं दृष्टि दृष्टि देते अविनाशित्व यही है दो प्रकार का नाश कैसे होता है वो बताते पार्थ में निरन्वयो विनाशस्य नहीं युक्त्यादि सिद्ध्यते अविनाशी चा अविनाशी चात्र विकार अभन्मतेर्वच निरन्वय विनाशो अश्य बने आत्मा इस आत्मा का निरन्वय नाश कारण नाश है कार्य नाश आत्मा का नाश हो नहीं सकता नहीं इत्यादि उसके कहा नहीं दृष्टि दृष्टि विद्यते अविनाशित्व इत्यादि के कहा निरन्वय विनाशो अश्य बने आत्मा निरन्वयाश नहीं उसका कारण है आत्मा का कारण पूर्वक जो कार्य का नाश होने के कारण चाहिए आत्मा का कोई कारण नहीं है इसलिए निरन्वय नाश होना संभव नहीं नहीं इत्यादि सिद्ध त्रिशत किया जाता है अविनाशी च अभी अत्र यहाँ अविनाशित्वात् पद भी है उसके द्वारा क्या करते हैं कहते हैं विकार अपहनुतिर बचा विकार जितने कार्य वर्ग हैं उसका अभाव को देता है जानता है उसका कार्य वर्ग नहीं है सुसूक्ति में उसको उसका अभाव है उसको जानता है इसलिए कार्य नाश आत्मा का नाश भी नहीं मान सकते क्यों वह सारे अभाव का साक्षी बना हुआ है जागृत स्वप्न में जो विषय थे उसका अभाव का साक्षी है इसलिए सान्वय नाश नहीं कर सकते कार्य नाश से आत्मा का नाश नहीं बोल सकते कारण नाश से
आत्मा रास नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका कारण ही नहीं है। जिसका कारण होगा, जैसे पट का कारण होता है तंतु, तंतु के नाश से पट का नाश होता है, कारण नाश। आत्मा का कोई कारण नहीं, इसलिए दोनों नाश नहीं कहने के लिए दो प्रकार का हेतु दिया। नहीं दृष्टु दृष्टि विपरीत को बीते थे, एक हेतु दूसरा अविनाशिता देखा। अविनाशिति मैत्रेय्या द्विधा नाश निषेधकृत वचनम प्रागुपन्यस्तम तदेवात्र तदेवात्रा भी हेतु जाते हैं। अविनाशी भाई अरे अयम आत्मा अनुचित धर्म करके मैत्रेय ब्राह्मण ने कहा, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण ने कहा था मैत्रेय के लिए याज्ञवल्क्य के लिए कहा था, अरे भाई यह आत्मा का उच्छेद नहीं होता, क्यों अविनाशी है, अनुचित धर्म वाला है, ऐसा कहा था। यही कहते हैं वहाँ पहले दिया था, कहते हैं अविनाशी थी मैत्रेयम द्विधा नाश निषेध कृत, अविनाशी वही अरे अयम आत्मा अनुचित धर्म करके अविनाशी पद दिया था और अनुचित धर्म कहा था। दोनों प्रकार का नाश नहीं है हो सकता आत्मा में, कारण नाश के द्वारा कार्य नाश भी नहीं हो सकता, आत्मा का नाश भी नहीं, और जगत के नाश के कारण आत्मा का नाश भी नहीं। इसलिए पहले कहा था कहते अविनाशी इति मैत्रेयम द्विधा नाश निषेध कृत, दो प्रकार के नाश करने वाला, नाश का अभाव, दो प्रकार के नाश का अभाव, सांडव्य नाश धर्म नाश का अभाव सिद्ध करने वाला। वचनम प्राग उपन्यस्तम, पहले चतुर्थ द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण ने पहले रहा था, कहा था कि शब्द के द्वारा यही है अविनाशी वही अरे अयम आत्मा अनुचित धर्म, इस शब्द के द्वारा कहा गया था। तदेव अत्रापि वही वाक्य यहाँ भी है, यही है मानी, यहाँ भी यही है, नहीं दृष्टु दृष्टि विपुल को विद्य थे अविनाशित्व, वही द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो कहा था वही यहाँ भी है। किसके लिए कहते हैं, हेत अभे हेतु देने के लिए, वह हेतु नहीं दिया था जो प्रतिज्ञा कर दी थी अविनाशी वही अरे अरे अय आत्मा अनुचित धर्म करके कहा था, हेतु नहीं दिया था केवल प्रतिज्ञा कर दी थी, उसकी सिद्धि के लिए हेतु दे रहे हैं, उसी के कहा सर्वोच्चित्व साक्षित्वात् उच्चित्य संभवात् तथा सर्व विकाराणाम प्रत्यंग मात्र एक साक्षिता करते, सर्व उच्चित्य उच्चित्य आत्म साक्षित्वात् सारे का जो अभाव होता है आत्म साक्षी, आत्मा जानता है अभाव हो गया करके, सुषुप्ति अवस्था में सबका अभाव है जगत का, जगत के कार्य जितने में संपूर्ण अभाव है, कोई नहीं दिखता, फिर आत्मा वहां भी दिख रहा है, किसको दिख रहा है, अभाव को दिख रहा है, भाव साक्षी है तो भाव की साक्षी, नहीं है तो अभाव की साक्षी है, तो उसका कैसे विनाश होगा, सुषुप्ति काल में भी वो साक्षी है, किसका अभाव, जगत का अभाव, एक सर्व उच्छित्ति मतलब उच्छेद विनाश का आत्म साक्षित्व, सुषुप्ति काल में जो सबका विनाश हो रखा है, कोई वस्तु नहीं है, तो उसका आत्म साक्षी वाला है, कौन जानता है, वो सबका अभाव आत्मा जानता है, उसका अभाव सिद्ध नहीं कर सकता, विनाश नहीं होता, उच्छेद चाहिए संभव होता, आत्मा का उच्छेद भी नहीं हो सकता, नाश भी नहीं हो सकता, सांडव्य नाश भी नहीं हो सकता, कार्यनाश से कारण नाश नहीं हो सकता, क्यों, कार्यनाश से कारण का नाश नहीं होता, उस पर उसमें क्या होगा, संपूर्ण नाश नहीं होता, कार्य कारण रूप में परिणाम हो जाता है, कार्य जो अभी कारण रूप में चला गया कालांतर में कार्य रूप में आएगा, तो नाश नहीं हो, सांडव्य नाश है, संपूर्ण पूर्णतया नाश नहीं हो, तो उसका भी असंभव है, उसको भी अभाव को जानता है, इस समय में घट नहीं है मृत्यु का है, ऐसे जानता है, तथा सर्व विकाराणाम इस प्रकार सारे विकार जितने भी आत्मा में विवर्त होते हैं, कल्पित होते हैं, जागृत स्वप्न वस्तु कल्पित वस्तु है, विकार जितने भी होते हैं, प्रत्येक मात्रे के साक्षरा एक आत्मा मात्रा एक साक्षी है, सबका साक्षी आत्मा ही है, सारे पदार्थों का जो अभाव होता है उसका आत्मात्र साक्षी है, और भाव का भी साक्षी वही है, अभाव का साक्षी भी वही है, इसलिए उसका नाश होना संभव नहीं, इसलिए कहा नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत को दिखते थे अविनाशित्व, ये कहा हुआ है। आगे कहते हैं पश्चन्यवायमत्रास्ते सान्वयान्वय ध्रुव नाशो यस्मात् अतः सिद्ध आत्मा कूटस्थ दर्शन पश्चन वायम अत्र आस्ते अयम आत्मा अत्र मनुष्य सुप्त पश्चन वास्ते देखता हुआ रहता है वो जानकारी है आत्मा को, वहाँ आत्मा है तभी जानेगा किसको,
सान्वय अनन्वय ध्रुव ध्रुव नाशौ, जो दोनों नाश है, सान्वय नाश निर्णय नाश, दोनों नाश का वो ध्रुव है, आत्मा स्थिर है, वो दोनों को देखता है, सान्वय नाश निर्णय नाश दोनों को जानता है। मारे कारण नाश से कार्य नाश को निर्णय नाश बोलते हैं, कारण नाश के द्वारा कार्य का नाश, जैसे तंतु जला देंगे तो पट का नाश स्वतः हो जाता है, ये निर्णय नाश, आगे वहाँ पट होना संभव नहीं है। अब धागा को खोल देंगे पट नहीं रहेगा किंतु धागा रह जाएगा, इसको कहते हैं सान्वय नाश। अभी तंतु रूप में हो गया पट, किस रूप में, तंतु रूप में हो गया, परिणाम हो गया, पहले अपना कार्य रूप में था, अभी कारण रूप में परिणत हो गया, कालांतर में वह पट बन सकता है, इसको सान्वय नाश बोलते हैं, परिणाम वो नहीं कहा, ये कहते हैं। प्रश्न एवं अत्र अयम अत्र आस्ते, यह आत्मा जो है यहाँ देखता हुआ ही होता है, जानता हुआ होता है, रहता है कहाँ, सान्वय सान्वय अनन्वय नाश, दोनों नाश को जानता हुआ होता है, निरन्वय नाश सान्वय नाश दोनों को जानता हुआ, ध्रुव है यस्मात ध्रुव जिससे है अतः सिद्ध, इसलिए सिद्ध क्या हुआ, आत्मा कोटस्थ दर्शन, आत्मा चिन्मात्र दर्शन है, ज्ञान है, चिन्मात्र स्वरूप है, साक्षी है, दोनों नाशों को देखता है आत्मा, उसका नाश नहीं हो सकता। पूर्वादि ने जो शंका उठाई थी, यद वही तन्न पश्यति है, तत्र तत्पर तत्र उस अवस्था में है, न वही पश्यति देखता नहीं है, यदि आत्मा चेतन हो, चेतन आत्मा होता हो सुषुप्ति में तो विषय को जानना चाहिए, नहीं जानता, इसका मतलब आत्मा नहीं है, ऐसा पूर्वादि ने कहा था, उसका उत्तर दिया नहीं, अरे बाबा सुषुप्ति में वो जो दोनों का अभाव जो दिख रहा है वो कौन जानेगा यदि आत्मा उस न हो तो, सारे विकार का अभाव रखा, कार्य वर्ग का अभाव है तो उसका अभाव का अनुभव किसको होगा यदि आत्मा न हो तो, आत्मा है नहीं, यही कहा नहीं दृष्टि दृष्टि अविनाशित हुआ, यही कहा है। पश्यन् न पश्यति इत्येतत् स्वतन्त्रं चागमं वचः, नहीति 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 तु प्रतिज्ञोऽपि अनुमोक्त्यानुसारिणी, कहते हैं पश्यन् न पश्यति, अच्छा पश्यन् भाई तन्न पश्यति आया है, मतलब ये पश्यन् भाई तन्न पश्यति, तो पश्यन् न पश्यति देखना बोला, न देखना भी बोला, तो ये विरोधी बात जैसे लगता है, देखना भी है न देखना, पश्यन् न पश्यति इत्येतत् स्वतंत्रम च आगम वचन, ये श्रुति का वचन है, स्वतंत्र वचन है, वहाँ ये तो नहीं दिया श्रुति, वहाँ भी पश्यन् भाई न पश्यति है, तत्पर तत्र पश्यन् भाई न पश्यति, ये आगम वचन है, श्रुति का वचन है, स्वतंत्र है, उसके लिए हेतु की आवश्यकता नहीं है, राजा आज्ञा के समान है, श्रुति जो बोलती है राजा का आदेश के समान, जैसे राजा का आदेश को कोई काट नहीं सकता, अन्य का आदेश तो कट जाता है, श्रुति के जो आदेश है राजा राजाज्ञा के समान है, कोई काट नहीं सकता, स्वतंत्र है, पश्यन् भाई तन्न पश्यति, तो श्रुति ने क्यों कहा होगा ये बात, इसको तो फिर अन्य प्रमाण से जानना सिद्ध करना पड़ेगा। तो कहते हैं पश्यन् न पश्यति एतत् स्वतंत्रम च आगमं वचः, ये स्वतंत्र है, श्रुति का वचन है, पश्यन् भाई तन्न पश्यति, नहीं इति प्रतिज्ञोति, जो प्रतिज्ञा की है पश्यन् भाई तन्न पश्यति श्रुति ने बोल दिया, उसकी सिद्धि के लिए नहीं आदि ये वाक्य का प्रयोग हुआ, नहीं दृष्टो दृष्टि विपरीत विद्यते अविनाशित्व, दृष्टा की दृष्टि के विपरीत अभाव नहीं होता, क्यों अविनाशी है, ये हेतु वचन है, वो जो श्रुति ने प्रतिज्ञा कर दी थी क्या पश्चिम भाई तन्न पश्यति, उसके लिए हेतु है, नहीं दृष्टो दृष्टि विपरीत विद्यते अविनाशित्व, ये कहा। आगे कहते हैं विनाशशक्तिभावोक्तेर्न प्रतिज्ञैकदेशतः प्रतिज्ञामचिशीतिवेव पश्यन् इत्यादिना इत्यादि रोदिते, नहीति हेतुक्ति हेतुक्तिरविनाशित्वात् इत्युक्तार्थ प्रसिद्धये विनाशशक्त्यभावोक्तेर्न प्रतिज्ञैकदेशतः, हेतु क्या है मेरे यहाँ, प्रतिज्ञा है श्रुति ने बोल दिया है राजा क्या के समान पश्चिम में तन्न पश्यति बोला है, हेतु क्या है, कहते हेतु कथन यही है बिना अविनाशित्वात्, क्यों अविनाशी है आत्मा, अविनाशित्वात् यदि उक्तार्थ प्रसिद्ध है, जो कहा था नहीं दृष्टो दृष्टि विप्रणुभू विद्यते जो कहा ना, उसका
हेतु क्या है? अविनाशित्व, दृष्टा की दृष्टि के अभाव में होता, क्यों? अविनाशी दृष्टि है वो, यही है। एक पूर्वादि बोलता है भारत, अविनाशित्व साध्य भी अविनाशी, दृष्टा की दृष्टि अविनाशी, दृष्टि भी साध्य और एक हेतु एक हो जाता है, एक होने पर सिद्ध नहीं कर सकते साध्य की उस हेतु के द्वारा। कि पूर्वादि की शंका आ गई, तब कहते नहीं, विनाश शक्ति अभाव होते हैं, अविनाशित्व आता करता है, विनाश शक्ति नहीं है वहाँ, विनाश की योग्यता नहीं है कहाँ उस आत्मा में, उसका विनाश करने की शक्ति नहीं है। विनाश शक्ति अभाव होते न प्रतिज्ञा के देश, प्रतिज्ञा ये अविनाशी प्रतिज्ञा और हेतु, अविनाशी शक्ति अभाव हेतु है, इसलिए एक देश नहीं है, भिन्न भिन्न है, साध्य भिन्न हो गया, अविनाशित्व साध्य हो गया, और हेतु हो गया अविनाश शक्ति अभाव, अविनाश शक्ति का अभाव है, अविनाश शक्ति योग्यता नहीं हुआ। प्रतिज्ञा वचसी देवा पश्य इत्यादि रोदित नहीं थी हेतु वचसी वेश्या था उत्तर हे तय हो, अथवा ये हो सकता नहीं हो, दो प्रतिज्ञा है, पश्यन भाई तन्न पश्यति, दो हेतु, दो प्रतिज्ञा है, पश्यन एक प्रतिज्ञा देखता है और न पश्यति दूसरे तय देखता, इसमें दो हेतु देते हैं, जो पूर्व में कहा था पश्यन प्रतिज्ञा वचसी देवा, अथवा प्रतिज्ञा वचन को दो कहना, पश्चन इत्यादि रोदित है, जो पश्चन में ही न पश्यति वाला प्रतिज्ञा वचन दो है, पश्चन एक है न पश्यति एक है, देखता है और नहीं देखता है, ये दो प्रतिज्ञा। और नहीं थी एक वजह नहीं दृष्टो दृष्टि विपरणों को विद्य थे अविनाशित्वाद, एक हेतु, और दूसरा है न तो तत् द्वितीय अस्थि यद अन्य विभुतम पश्य तत्व अन्य पश्य, दूसरे हेतु ऐसा होगा कहा, वैसे आमोत्तर हेतु ये कहा, दो आगे दो हेतु हो जाएंगे, ये कहा पश्चन्यवास्त इत्यस्य प्रतिज्ञोक्तेर प्रसिद्ध है, पश्चन्यव आस्ते ऐसा कहा, उस काल में भी देखता हुआ होता है, ज्ञान है आत्मा को सुषुप्ति काल में भी, जो प्रतिज्ञा इसके लिए इत्यस्य प्रतिज्ञा होते के प्रसिद्धि के लिए क्या कहना, हेतु नहीं थी वचन हम उत्तर से आप चोत्तरम, ये एक हेतु हो जाएगा, यही नहीं दृष्टि दृष्टि विपुल लोग अविनाशित्व, एक हेतु हो जाएगा, क्यों देखता हुआ होता वहाँ, क्यों दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, दृष्टारूप जो दृष्टि है साक्षी रूप दृष्टि है उसका लोप नहीं होता, ये भी है। और उत्तर से आप चौथा, और दूसरा है न पश्यति, पश्चन वही का अर्थ हो गया, आगे न पश्यति है उसका उत्तर यही है, मान अगला वाला कभी आगे वाला हो जाएगा, न तो तद द्वितीयम अस्ति यद विवर्तम ततो अन्यत यद विवर्तम पश्य, दूसरा वस्तु है ही नहीं जो अपने से भिन्न हो उसको जाने, इस कारण न पश्यति वाला, ये हेतु होगा। निरन्वय विनाशस्य निषेधोत्र विवक्षते प्रथमे हेतुवचसे परिणामस्तथोत्तरे, प्रथम जो हेतुवचन है ना नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपणों को विद्यते अविनाशित्वादि हेतु दिया, इसी क्या निरन्वय नाश का अभाव दिखाया, आत्मा का कारण नाश से कार्य नाश नहीं होगा, क्यों उसका अभाव होता नहीं कभी, कारण नाश उसका कोई कारण नहीं है, कारण नाश से कार्य का नाश होने आत्मा का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि कारण का ही अभाव है, ये दिखाया है प्रथम हेतु के द्वारा ही कहा, निरुन्वय विनाशस्य आत्मा का कारण कैसे नाश हो ये शंका के खंडन किया किसने, निषेधोत्र विवक्षते प्रथम हेतु वचन, पहले वाला वचन हेतु और प्रतिज्ञा और वचन क्या है, प्रथम पश्चन वही कहा हुआ है और हेतु दिया है नहीं दृष्टि विवरणों को विद्यते अविनाशित्व, इसके द्वारा ये सिद्ध किया है। परिणाम तथोत्तरे उत्तर वाला जो होगा आगे वाला आगे वाला जो होगा आगे क्या बनेगा, न पश्यति एक प्रतिज्ञा है और हेतु क्या होगा, न तो तद्दीप्तियम अस्ति ततो अन्यत यद्विवक्त पश्य, दूसरा कोई है ही नहीं वहाँ जो अपने से भिन्न किसी को देखे, ये हेतु है। दो बाहे प्रतिज्ञा हो दो प्रतिज्ञा है इस वाक्य में, पश्यन भाई न पश्यति, पश्यन भाई एक प्रतिज्ञा और न पश्यति दूसरी प्रतिज्ञा, देखता है सुषुप्ति में भी और नहीं देखता है, इसको सिद्धि के लिए क्या कहा, दो हेतु बताया, क्या हेतु, एक हेतु है नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत को बीते थे अविनाशित्व और दूसरा हेतु हो गया न तो तद्दीप्तम अस्ति यद ततो अन्यत यद विवक्तम पश्य, दूसरा हेतु यही है।
दो बार हेतु उक्ता तो दो प्रतिज्ञा दो बार दो हेतु समझना दो प्रतिज्ञा में पश्यन और न पश्यति दो प्रतिज्ञा है उसके लिए दो हेतु आभ्याम संभूय सिद्धो अर्थ एवं सत्यु दोनों हेतु के द्वारा मिल करके जो अर्थ आएगा संपूर्ण अर्थ हो जाएगा आत्मा अविनाशी है विनाश नहीं हो सकता। ठीक है कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्यम पाठ दो व्याख्या है प्रतिज्ञा वाक्य दोनों पाठों में व्याख्या कर दी निर्विनाश भी नहीं है पश्यन भाई नैव पश्यति यही है पश्यन भाई नैव पश्यति ऐसा प्रतिज्ञा एक तो पश्यन पश्यन भाई है और दूसरा न पश्यति पश्यन भाई नैव न पश्यति तो ये दो प्रतिज्ञा वाक्य है पाठ दो दोनों पाठों में पश्यन वाला पाठ और न पश्यति वाला पाठ पाठ दो व्याख्या दोनों पाठ व्याख्या कर हेतु वाक्य अनुद्य तात्पर्य दोनों हेतु वाक्य का अनुवाद करेंगे हेतु यही है नहीं त्रष्टु दृष्टि विपरीत रूप दे एक हेतु दूसरा हेतु अविनाशित उसको अर्थ बता दे नहीं इत्यादि शब्दों के द्वारा ही कहना है नहीं ती हेतु वचनम प्रतिज्ञाता अर्थ सिद्धि कृतिका नहीं आदि जो है ना प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा किया हुआ जो विषय है उसकी सिद्धि के लिए है ठीक है आत्मा कोटस्थ दृष्टि ये प्रतिज्ञा है पश्यन भाई देखता हुआ वहां भी है सुषुप्ति में भी है आत्मा कूटस्थ दृष्टि वाला है निर्विकार दृष्टि वाला है उसकी विकृत नहीं होता उसकी दृष्टि के विकार में साक्षी रूप है यही प्रतिज्ञा है इस मंत्र को यही है पश्यन भाई कहा उस अवस्था में भी है पश्यन भाई आत्मा कूटस्थ दृष्टि थी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा तो अर्थ जो प्रतिज्ञा की है यही है आत्मा कूटस्थ दृष्टि वाला है विकृत दृष्टि वाला नहीं आत्मा का अभाव नहीं होता यही है प्रतिज्ञा तत्साधकत्व है वही कूटस्थ दृष्टि को सिद्धि करने के लिए नहीं इत्यादि वाक्य विद्यार्थ नहीं दृष्टो दृष्टि विप्रलोक को विद्युत अविनाश होता इत्यादि वाक्य इसके लिए है ये बता दें एक ही ना हेतु ना प्रतिज्ञा प्रतिज्ञार्थ सिद्धि व्यर्थम यत्वंतर में इतिहास है एक ही हेतु पश्यन वही न पश्यति में एक ही हेतु से काम हो जाता क्या हेतु नहीं दृष्टो दृष्टि विप्रलोक विद्युत इतने से हो जाता फिर दूसरा हेतु व्यर्थ है अविनाशित्व हेतु यह शंका है तो उसके उस शंका का खंडन करते हैं क्या करते हैं द्वि प्रकार है इत्यादि कहा दो प्रकार का नाश होता है निर्णय नाश कोई भी वस्तु का नाश दो प्रकार से हो सकता है कारण नाश से कार्य नाश उसको निर्णय नाश कहते हैं आगे कार्य होना संभव नहीं होता और एक सान्वय नाश कार्य पूर्ण नाश नहीं हुआ कारण में जाके छिप गया गठफुटा तो मृतिका में है कालांतर में बन सकता है ये सान्वय नाश दोनों प्रकारों के नाश नहीं है आत्मा में निर्णय नाश में नहीं कारण नाश है आत्मा का विनाश भी नहीं क्योंकि उसका कारण ही नहीं है कार्य नाश से भी आत्मा का नाश नहीं कार्य का नाश को देखता है जानता है अभी जगत नहीं है सुशुद्ध भी जानता है दोनों नाश नहीं है ये दो प्रकार के नाश दिखाया है द्वि प्रकार और विनाश द्वि हेतु दो प्रकार के हेतु बताया एक तो हेतु यही है हेतु वाक्य पश्यन भाई न पश्यति तन न पश्यति में यही है क्या है एक हेतु यही है कि तत्पर तत्र उस अवस्था में पश्यन भाई तन पश्यति वाला जो प्रतिज्ञा वाक्य है देखता है हुआ ही नहीं देखता है तो दो हेतु क्या दिया नहीं दृष्टि दृष्टि विप्रलोक में विद्या थे एक हेतु और दूसरा हेतु अविनाशित यही है सिद्धते ठीक है कौटव नाश से दो प्रकारों तो दो प्रकार के नाश कौन है तो निर्णय नाश और सान्वय नाश कौन है दोनों दो प्रकार के नाश और तयोर कस्य केन निषेध उनका निषेध किसका होगा मान दो में किसका निषेध होगा किस शब्द के द्वारा निषेध होगा यह पूर्ववादी ने शंका उठाई उत्तम विभाजित जो कहा था दो प्रकार के हेतु उसका विभाग करते हैं दो प्रकार के हेतु है क्या हेतु है निरन्वय विनाशस्य नहित्युक्ते आदि सिद्धते अविनाशित चाप्यत्र विकार पन्नुतेर वचः एक निर्णय विनाश माने कारण के सहित नाश को निर्णय नाश कहते हैं अस्य माने आत्मा न नहीं इत्युक्ते आदि नहीं दृष्टि दृष्टि विद्यते इसके द्वारा निषेध किया जाता है उसकी दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता नाश नहीं होता
ये सब दशा है। और दूसरा अविनाशित जापित्र, जो अविनाशित्वार कहा हुआ है वह विकार अपमृत वजह, माने विकार का अभाव देखता है वो, विकार में कार्य वर्ग नहीं है, अभाव है उसका, अपलाप करना विकार का अपलाप करना सुसुप्त अवसा में कार्य वर्ग जगत नहीं है, इसके लिए कहा न होने पर भी अभाव को देखता था, वहां भी नाश नहीं है होता है। ठीक है, हम कहते हैं विपरी इति उपसर्ग द्वय वसात, विपरी लोक क्यों लोक कहा, बी और परि दो उपसर्ग लगाया वहां, नहीं दृष्टि दृष्टि विपरी लोक इत्यादि दो उपसर्ग वसात, यही अर्थ होता है दोनों प्रकार का नाश नहीं है वहां कहने के लिए, बी और परि दो उपसर्ग लगा दिया वहां शुद्धि में, नहीं दृष्टि दृष्टि विपरी लोक इत्यादि, बी और परि दो उपसर्ग है ये लगा गया, दोनों प्रकार का नाश नहीं है सिद्धि के लिए, एक कहा। ठीक है, हम कहते हैं अविनाशत्वाद इतने से तात्पर्य माना आगे, अविनाशित्वाद है नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरीत विद्यते थे, आगे अविनाशित्वाद है उसका तात्पर्य बताते क्या है, अविनाशी इत्यादि से कहा, एक अविनाशित जाप्यत्र विकार अपनुतर वजह, सारे विकार का अभाव दिखाया उसका, सुशुद्ध का कार्य वर्ग नहीं है उसके साक्षी आपत्ति है वह, उस तरह से विनाश नहीं है, कार्य से कारण करना पूरा नाश होता नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं विकार से अपहनुति माने कारण संसर्ग, विकार का अभाव माने कारण के साथ संबंध प्राप्त करता है, जैसे धागा खोल दे तंतु खोल देते हैं तो कपड़ा नाश हो जाता है, माने कारण में संबंध है उसका, तंतु में संबंध हो गया है, कालांतर में फिर पट बन सकता है, कार्य नाश यही है, विकार अपानुति का अर्थ कारण संसर्ग, उसको नाश पूरा नहीं हुआ है, कारण में संबंध प्राप्त कर गया, कारण रूप में दिख रहा परिणाम है, कारण संसर्ग सावशेष नाश है, अवशेष है पटगा भी कहाँ तंतु में कालांतर में बन सकता है, धागा खोला हुआ है ऐसा है, तो एक अर्थ कारण संसर्ग सावशेष नाश, कारण के साथ जब संबंध प्राप्त करता है कार्य अपने कार्य रूप में नहीं रहेगा कारण रूप में बुझाएगा उसको होते हैं सावशेष नाश, कालांतर में वह कार्य हो सकता है ऐसा है, तत्संबंधी अविनाशित्वाद उसको लेकर के अविनाशित्वाद बड़ा है, मान कार्य नाश से भी कारण का आत्मा का नाश नहीं उसके लिए अविनाशित्वाद हेतु दिया, बचो इस वचन अश्विन वाक्य प्रयुक्त है, इस वचन का इस वाक्य में कहा अविनाशित्वाद वाक्य में मान नहीं दृष्टि दृश्य विप्रिय थे अविनाशित्वाद, अविनाश पद के द्वारा ही कहा कार्य नाश के द्वारा आत्मा का नाश नहीं होता, जगत का नाश हो गया सुसुप्त में किंतु आत्मा है उसका अभाव को देख रहा है, यही कहना है, अतो निर्वशेष नाशवत जैसे निर्वशेष नाश नहीं हो सकता है, निर्वय नाश नहीं हो सकता आत्मा में और कारण नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, ठीक इस प्रकार सावशेष नाश नाश से आप आयोगा सावशेष नाश माने कार्य नाश से भी आत्मा का नाश नहीं होता, कूटस्थ दृष्टि आत्मा, आत्मा क्या निर्लेप दृष्टि वाला है साक्षी हो उसका अभाव कभी नहीं होता, ये सिद्ध हो गया एक कहा। चतुर्थे च नाशद्वयम् कहते हैं इसी को दिखाते हैं मैत्रेयी ब्राह्मण जो द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण है उसमें भी ये दो नाश का निराश किया है, दोनों नाश नहीं आत्मा में किसी प्रकार कारण नाश है आत्मा नाश नहीं, कारण ही नहीं उसका, कार्य नाश है आत्मा के नाश में नहीं, सुषुप्त में कार्य का अभाव है जगत का अभाव है किंतु आत्मा है वह, ये दो प्रकार के नाश का अभाव दिखाया आत्मा में चतुर्थ माने तृतीय अध्याय में, अविनाशी इत्यादि शब्द कहा यही है, अविनाशी मैत्रेय्यां दिदानाश निषेध कृत वचनम प्राग उपन्यस्तम तदेवत्रा भी हेतवे कहते हैं अविनाशी भाई अरे अयम अविनाशी भाई अरे अयम आत्मा अनुच्छित धर्म ये शब्द से कहा था वन मैत्रेय ब्राह्मण ने यानी बल्कि ने कहा था यह आत्मा अविनाशी है, अरे मैत्रेयी अविनाशी भाई अविनाशी ही है यह आत्मा अनुच्छित धर्म ये नष्ट धर्म वाला नहीं है अविनाशी धर्म है इसका नाश नहीं होता ऐसा कर कहा था, एक अविनाशी पद दिया था एक अनुच्छित धर्म शब्द दिया था, अनुच्छित वाला है उच्छेद नहीं होता विनाश नहीं होता आत्मा का ये कहा था, उसी को यहाँ कहा गया है हे तवे हेतु सिद्धि के लिए, वहां केवल प्रतिज्ञा कर दी थी अब हेतु सिद्धि के लिए हेतु कैसे सिद्ध होता उसके लिए कहा। ठीक है, आगे कहते हैं आगे तदेव
अविनाश भाई अरे अयम आत्मा मनुष्य धर्मा इतत्र ये मंत्र में था वहाँ चतुर्थ प्राण द्वितीय अध्याय चतुर्थ प्राण वैत्री प्राण अविनाशी भाई अरे अयम आत्मा ये वैत्री अरे वैत्री ये आत्मा अविनाशी ही है इसका विनाश हो नहीं सकता। दूसरे दिया अनुच्छेद धर्म इसका इस आत्मा धर्म का उच्छेद नहीं हो सकता कभी विनाश नहीं हो सकता। धर्म इत्यत्र यहाँ नाश को निषिद्धम दोनों नाश का निषेध किया है वहाँ हेतु वाक्य दिया था किमिति यह निषिद्ध है तो फिर यहाँ दोबारा क्यों निषेध करना जब दोनों नाशों का अभाव हो सिद्ध कर दिया आत्मा का नाश नहीं होता द्वितीय अध्याय में चर्चा हो गई फिर यहाँ क्यों तृतीय अध्याय में आकर यह शंका हो गई क्यों निषिद्ध थे तत्र तदेव उसी को ही यहाँ भी बताना है एक तदेव अत्रापि हेतवे उसी कारण से यहाँ भी बताना हेतु के लिए बताया हेतु सिद्धि के लिए बताया है वही हेतु की सिद्धि के लिए ही यहाँ भी कहा एक आगे ठीक है आत्मा कूटस्थ दृष्टि इति प्रतिज्ञाते अर्थे आत्मा निर्लेप दृष्टि वाला है उसका अभाव कभी नहीं होता विनाश नहीं होता यही है प्रतिज्ञा है इसके लिए हेतु है ये सब न ही दृष्टि दृष्टि अविनाशित होता है तो इसके लिए आत्मा कूटस्थ दृष्टि वाला है माने साक्षी साक्षी रूप में है उसका कभी अभाव नहीं होता इसी लिए हेतु है आत्मा कूटस्थ दृष्टि इति प्रतिज्ञाते अर्थे प्रतिज्ञा यही है आत्मा कूटस्थ दृष्टि वाला है विकृत दृष्टि वाला नहीं है। नाश द्वया भाव रूप हेतु दोनों प्रकार के नाश का अभाव दोनों प्रकार के नाश का अभाव है आत्मा में दोनों निर्वय नाश में सांवय नाश में दोनों का अभाव इस हेतु है ये सिद्धि के लिए चातुर्थ कम एक वाक्य में जो चतुर्थ अध्याय में कहा गया था उसी वही वाक्य को अविनाशी भाई अरे अनात्मा वाक्य जो चतुर्थ में कहा था उसी वही अत्र आकृष्टम उसको याद आया गया उसी याद आगे फिर बता स्पष्टीकरण के लिए आत्मनो निरन्वय नाशाभाव हेतु महा आत्मा का कारण नाश से कार्य आत्मा का नाश नहीं हो सकता क्यों उसका कारण ही नहीं है आत्मनो निरन्वय नाशाभाव हेतु महा सर्व इत्यादि बोलते हैं बात बताया है सर्व सर्वचित्तात्मा साक्षित्वा उसका कोई कारण नहीं साप का उच्छेद होता है अभाव होता है उसका साक्षी आत्मा कोई नहीं रहेगा उसके भी साक्षी आत्मा इसलिए उसका कारण नहीं है ठीक है सर्वोचित साक्षित्व उत्तिते साथ असंभवात एक आत्मा सर्वात्मना उच्छित निर्वनाश कुछ भी न बचे उसको कहते हैं निर्वनाश किंतु सुषुप्ति अवस्था में जगत का तो कुछ बचता नहीं है किंतु आत्मा है निर्णय नाश नहीं हो सकता सर्वात्मना उचित सावशेष निर्विशेष नाश हो जाना सर्व नष्ट हो जाना ये निर्गुण नाश है तत्र आत्मन साक्षित्व अभी कुछ नहीं है जानने वाला वहाँ होगा अभी कुछ नहीं रहा घटपट आदि वस्तु जगत नहीं है ये जानने वाला रहेगा वहाँ भी अभाव को जानने वाला होगा आत्म साक्षित्व न तर्वत्ता का इसलिए नाशमान नहीं है आत्मा ही निर्वनाश वाला नहीं आत्मा ना सावशेष नाश अभाव है तुम्हारा आत्मा कारण में जाके लीन होगा सुषुप्ति अवस्था में आत्मा भी कारण में लीन होगा क्या उषा भी नहीं कारण में लीन होना भी संभव जैसे कहा उच्छेद चाहिए असंभव बोल दिया सांडव्य नाश होना भी संभव नहीं है आत्मा का ठीक है असंभव क्यों उसका कारण नहीं है कारण होता तो जाके मिलता वहाँ कारण आई नहीं ठीक है उच्छित्ति मान सावशेषो नाश है उच्छित्ति शब्द का अर्थ सावशेष नाश है कुछ अवशेष बचेगा जैसे घट नष्ट होगा अवशेष बचता है मृत्यु का रूप में है वो परिणाम है वो सावशेष उत्तिश्य उत्तिति ही मान सावशेषो नाश हो हेतु संसर्गो मान हेतु मान कारण के साथ संबंध प्राप्त करना सावशेष नाश क्या होता है संपूर्ण नाश नहीं होता कार्य का कारण में जाकर के संबंध प्राप्त करके बैठता है कार्य सावशेष नाश यही है ना आत्मा योजते सावशेष नाश आत्मा में घटता नहीं है युक्ति से कहते हैं कि हेतु अभाव कारण नहीं उसका यदि कारण होता तो सुशुद्धि में आत्मा जाके कारण में रूप जाता मिलता आई है मन कारण अभाव आपको हेतु अभाव ठीक है तथा भी साक्षित्व उसमें भी जब कार्य के जगत का जब नाश हो रखा अभाव हो रखा उसका भी साक्षी हो उसमें भी साक्षी हो सुषुप्ति अवस्था में साक्षी हो
अभाव को देखता हुआ साक्षी, अभाव को जानता है साक्षात्, तद असौ नित्य दृष्टि रे, असौ माने वो आत्मा, इससे क्या शब्द है, नित्य दृष्टि वाला है, कुटस्थ दृष्टि वाला है, अनित्य दृष्टि नहीं। एक सावशेष नाश अभावे तत्र वहा, सावशेष नाश नहीं, वो सब कारण में जाकर के मिलना रूप जो नाश है वो नहीं सकता, इसमें अन्य हेतु है तथा इत्यादि कहा गया तथा सर्व विकाराणाम प्रत्यंग मात्रे का साक्षी था, सारे विकार जितने भी कार्य वर्ग हैं उसका जो विनाश है ना, आत्मात्र साक्षी है, सारे विकार में आत्मा ही जानता है सबको, यदि आत्मा न हो तो कौन जानेगा, आत्मा ही सबको जानता है, इसलिए आत्मा का अभाव सिद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, कहते हैं सर्वेशु विकारेशु, जितने भी विकार वर्ग है जगत है, सर्वेशु विकारेशु प्रत्यंग मात्र से साक्षित्वात्, आत्मा ही साक्षी होता है, ये घट है पट है मठ है कौन जानता है, आत्मा ही जानता है, अभी घट नहीं अभाव है आत्मा ही जानता है, विकृति जितने भी है कार्य है सारा आत्मा ही जानता है, उसको सबका साक्षी है। ठीक है, सर्वेशु विकारेशु प्रत्यंग मात्र से साक्षित्वात, प्रत्यंग आत्मात्र साक्षी होने से, तस्य अविकारित्वात, सब जब सब विकार का साक्षी है तो अविकारी हो, उसका विकार होता नहीं है, इसलिए तो सर्व विकार के साक्षी होने से, न कारण समझर को नाश, कारण में जाके मिलना रूप नाश, अवशेष नाश नहीं हो सकता, आत्मनो द्विधा नाश अभावे मत्वा, आत्मा का दोनों प्रकार का नाश नहीं है, निरन्वय नाश भी नहीं है, सान्वय नाश भी नहीं है, यानी कारण नाश के माध्यम से भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका कारण नहीं है, और कार्य नाश के माध्यम से भी आत्मा का नाश नहीं, कार्य का नाश को जानता है उसका, पहले कार्य को जानता था, अभाव होने पर अभाव को जानता है, इसे भी सान्वय नाश होना भी संभव नहीं, ये दोनों प्रकार के हेतु हैं, अभाव में स्पन्न हुआ क्या बोलते हैं, कहते हैं पश्चन इत्यादि कहा, ये पश्चन में तन्न पश्चित इसलिए कहा गया, ये कहना चाहते हैं पश्चन अत्र पश्चन अत्रास्ते सान्वय नान्वय ध्रुव नाशो यस्मात् अतः सिद्ध आत्मा को ठन पर समझगा, पश्चन अयमत्रास्ते, उस काल में भी देखता है, मैंने कार्य वर्ग का अभाव, अभाव काल में भी देखता है, किसको देखता है, अभाव को देखता है, पहले कार्य को देखता था जागृत स्वप्न में, अब अभाव को देखता है सुषुप्ति में, पश्चिम अयम अत्रास्ते अत्र सुषुप्त सुषुप्ति अवस्था में देखता हुआ ही होता है, जानता हुआ होता है, किसको जानता है, सान्वय अनन्वय नाश हो, दो प्रकार जो नाश है, निर्वय नाश सान्वय नाश, दोनों के नाश को देखता है उस काल में, अभाव को देखता जानता है, अतः सिद्ध आत्मा को उठन कर, इसी हेतु से सिद्ध हुआ आत्मा निर्लेप दर्शन वाला है, साक्षी है। ठीक है, विधांतर में वाक्य विभजते, प्रकारांतर से इसी वाक्य को फिर विभाग करके बताते हैं, दो प्रकार बनाते हैं, दो हेतु है, दो ये शांति है बोलते हैं, प्रतिज्ञा दो है, हेतु भी दो है, पश्चन इत्यादि के द्वारा कहा, पश्चन एवा पश्चन न पश्यति तत् स्वतंत्र गमन वचन, ये पश्चन भाई तन्न पश्यति जो श्रुति में ये आगम का वचन है, श्रुति का वचन स्वतंत्र है, राजाज्ञा के समान है, वहाँ देखता है नहीं देखता है, मैंने विरोध लगता है, वहीं देखना भी और न देखना भी, दोनों तो विरोधी लगता है, किंतु नहीं, ये स्वतंत्र है, श्रुति का वचन है, वो कैसे कहा होगा उसको सिद्धि के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, राजा के आज्ञा के समान है, राजा के आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, इसके समान है स्थिति के बाद चला जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं आगम रूपम ही बचो, जो श्रुति रूप वचन है, पश्चिम में तन्न प्रसिद्धि श्रुति का वचन है, तो बचो न हेतु आकांक्षा देखो, किसी हेतु की अपेक्षा नहीं रखता, जो बोल दिया बोल दिया, किसी प्रमाण सिद्धि के लिए प्रमाण से सिद्ध नहीं करना पड़ेगा उसको, श्रुति वचन स्वतः प्रमाण है, निरपेक्ष प्रमाण तो आपके श्रुति जो होती है निरपेक्ष प्रमाण है, वो बोल पड़ी पश्चन भाई तन्न पश्यति, अब वो पश्चन भाई तन्न पश्यति का क्या अर्थ निकालना, कैसे कहा होगा श्रुति ने, अब हेतु वाक्य आगे देते हैं उसकी सिद्धि के लिए, नहीं दृष्टि दृष्टि विभिन्नों को बीते थे अविनाशित्व इत्यादि, एक नहीं इत्यादि इष्टम विभागम नहीं दृष्टुर दृष्टि विभिन्नों को बीते थे अविनाशित्वाद न तो तद्वितीय अस्थि ततो अन्यत एक विभक्तम पश्यति, विभाग पूर्वक कहते हैं दो हेतु वाक्य को, जो पश्चन भाई क्यों कहा न पश्यति क्यों कहा श्रुति ने, उसके लिए दो हेतु वाक्य है, इसमें विभाग पूर्वक कहते हैं न इत्यादि कर कहा, नहीं इति तो प्रतिज्ञोक्ति नहीं दृष्टुर दृष्टि प्रतिरूप
विवरण लोगों के वही जो है प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है पश्चन भाई। तो ये क्या है प्रतिज्ञा में जो कहा था पश्चन भाई कहा था उसी के हेतु वचन है ये अनुवा उत्ती अनुसारिणी। मान जैसे अनुमान भी हेतु दे करके शादी की सिद्धि किया जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी जो पश्चन भाई सिद्ध करना है श्रुति ने आगम वचन है स्वतंत्र है उसी सिद्धि के लिए नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत रूप विद्य थे। जो दृष्टा की दृष्टि मैंने प्रमाता की दृष्टि मैंने साक्षी उसका लोप नहीं होता, प्रमाता का तो अभाव हो जाता है, सुशुद्ध प्रमाता नहीं है, अंतकरण विशिष्ट नहीं है किंतु साक्षी है, साक्षी रूप में है, उसकी दृष्टि का अभाव नहीं। अथवा प्रमाता अथवा दृष्टारूप जो दृष्टि है दृष्टिस्वरूप दृष्टि मैंने साक्षी दृष्टि उसका अभाव नहीं होता, इसलिए वह पश्चिम वही होता है, देखता हुआ ही होता है, जानता हुआ होता है कहा। तो जो पश्चिम वही में सिद्धि के लिए यहाँ नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत रूप विद्य थे अविनाशित्वाद एक आभाव एक और हेतु के अविनाशित्वाद हेतु क्या दिया अविनाशित्वाद दिया है अविनाशित्वाद यदि उदार्थ प्रसिद्ध है कहा कहीं हुए कही ये सिद्धि है सिद्धि का विग्रह नहीं दृष्टोदृष्ट विपरीत रूप विद्य थे इतना तक तो साध्य हो जाएगा अविनाशित्वाद हेतु हो जाएगा एक ठीक है। कहते हैं आगम रूपों में जो नहीं होगा आपसे निरपक्ष प्रमाण हो गया तो आगे यथा बन्यमान प्रतिज्ञा है कोई बोलता पर्वत अग्नि वाला है इतने मात्र से सिद्ध नहीं हो पाएगा ये प्रतिज्ञा है पहाड़ में अग्नि है पर्वत अग्नि वाला है ये प्रतिज्ञा करके तत्सिद्ध है उस बन्नी की सिद्धि पर्वत में बन्नी की सिद्धि के लिए धूमवत्वाद हेतु तथा धूम होने से बोलता है हेतु है धूम वाक्य हेतु है धूम होने से अग्नि है हेतु उच्यते तथा दृष्टि नित्यत्व प्रतिज्ञा है दृष्टि नित्य है यह सिद्ध होगा द्रष्टुर दृष्टेर नहीं विपरीत रूप विद्य थे दृष्टा की दृष्टि नित्य है ये नित्यत्व सिद्धि के लिए दृष्टा की साक्षी नित्य सिद्धि के लिए तस्व प्रतिज्ञा तस् जो दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता जो कहा उसी प्रतिज्ञा विषय है उसके सिद्ध्यर्थम अनुमान अनुसार हेतु की अविनाशित्वाद अनुमान के अनुसार हेतु दिया अविनाशित्वाद ये हेतु दिया दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता प्रतिज्ञा और हेतु दिया अविनाशित्वाद। और जो पश्चिम भाई न पश्चिम तन्न पश्चिम का वचन है स्वतंत्र है उसके लिए अनुमान करके सिद्ध किया क्या अनुमान क्या कि दृष्टो दृष्टि लोगों ने भी दृष्टा की दृष्टि माने साक्षी की दृष्टि साक्षी रूप दृष्टि की कभी अभाव नहीं होता ये प्रतिज्ञा क्यों अविनाशित ये तो ये कहने के लिए कहा अनुसार हेतु अविनाशित प्रयोजित अनुमानवत साधकतः जैसे अनुमान में सिद्ध करने के लिए हेतु होता है इस प्रकार यह भी हेतु दिया है अविनाशित्वाद आदि कहा। आगे कहते हैं आत्मदृष्टि नाशाभाव प्रतिज्ञा है आत्मदृष्टि का नाश का अभाव अविनाश नाश का अभाव क्यों क्या कहा नहीं दृष्टो दृष्टि विद्यति आत्मदृष्टि का नाश नहीं होता ही तो सिद्ध किया ना नाशाभाव सिद्ध किया साध्य होगा नाशाभाव और हेतु देता अविनाशी पद एक ही नाश का अभाव बोलो चाहे अविनाशी बोलो एक ही चीज होता है प्रतिज्ञा और हेतु एक हो गए इसे सिद्ध नहीं हो सकता पूर्वादि की शंका होगी। आत्मदृष्टि नाशाभाव प्रतिज्ञा या आत्मदृष्टि का नाश का अभाव ये तो सिद्ध किया ना किसी नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत लोगों की देते दृष्टा की दृष्टि का अभाव नहीं होता नाश का अभाव ये प्रतिज्ञा है और अविनाशित्वादि हेतु अविनाशित्वादि हेतु बनाया बदलता ऐसे करने के साध्या विशिष्टता साध्य से अभिन्न हो गया हेतु पर्वतो बन्यमान बन्यवत्वाद क्या बन्नी की सिद्धि होगी पर्वत अग्नि वाला है अग्नि होने से ऐसे साध्य के साथ एक होने पर हेतु उस हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते या एक ही हो गया आत्मा का विनाश का अभाव साध्य और अविनाशी तो हेतु एक ही है विनाश का अभाव बोलो चाहे अविनाशी बोलो एक ही चीज है ऐसे कहते हुए साध्य विशेषता इतिहास कहा विनाश इत्यादि शब्द कहा विनाश अविनाशित्व आप कर रहे विनाश शक्ति अभाव उदेर कहा विनाश शक्ति का अभाव यह है यहाँ हेतु का अर्थ अविनाशित्व का अर्थ विनाश योग्यता नहीं हुआ विनाश की योग्यता नहीं विनाश शक्ति अभावाद है विनाश शक्ति अभाव उत्तर न प्रतिज्ञा के देश रहा इसलिए प्रतिज्ञा मैंने साध्य के साथ एक देश विशिष्टता नहीं है भिन्न है
साध्य हो जाएगा। आत्मा कूटस्थ दृष्टि है, विनाश का अभाव है आत्मा के कहने के लिए नहीं, दृष्टो दृष्टि विपरीत रूप विद्यते थे कहा था, दृष्टा की दृष्टि का अभाव नहीं होता है, विनाश का अभाव, विनाश नहीं। और हेतु का अर्थ होता है क्या, अविनाशित्व आपका हेतु है, विनाश शक्ति अभाव विनाश शक्ति का अभाव है, हेतु में विनाश शक्ति का अभाव लिखा है, विनाश शक्ति लगा दिया, विनाश शक्ति का अभाव और आत्मा विनाश का अभाव, तो इसलिए भिन्न हो गए, विनाश अलग चीज है, विनाश शक्ति का अभाव अलग है, विनाश अभाव अलग है और विनाश शक्ति का अभाव भिन्न है, इसलिए अप्रतिज्ञा हेतु एक नहीं, भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं न विनश्यति इति प्रतिज्ञा, विनष्टुम अयोग्यत्व हेतु, न विनश्यति प्रतिज्ञा है, आत्मा का विनाश नहीं होता, ये प्रतिज्ञा वाक्य है, और उसे सिद्ध किससे करना, विनष्टु अयोग्यत्व, विनाश के योग्यता नहीं होने से न विनश्यति, ऐसा हो जाए, विनाश की योग्यता नहीं है इसलिए विनाश नहीं होता, हेतु में लगा विनष्टुम अयोग्यत्व हेतु, तन्न अनयोर एकता अर्थ है, इसलिए दो में एकता एकता नहीं है, एक अर्थ नहीं है, एक अर्थ, एक अर्थ नहीं, अलग अलग अर्थ है, प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ न विनश्यति अर्थ हो जाएगा, आत्मा का विनाश नहीं होता, क्यों, विनष्टुम अयोग्यत्वाद है, विनाश के योग्य न होने से आत्मा का विनाश नहीं होता, अब अलग हो गए, यह अर्थ कर प्रकारांतर विभाग, अन्य प्रकार से भी है विभाग बताते हैं, प्रतिज्ञा वचसी द्वे वा पश्यन इत्यादि रोदिते नहीं ते हेतु वचसी द्वेशमुत्र हेतु, अथवा पश्यन भाई तन्न पश्यति, ये प्रतिज्ञा वाक्य यही है, पश्यन भाई तन्न पश्यति श्रुति में ये प्रतिज्ञा यही है, देखता है और नहीं देखता है, देखता हुआ नहीं देखता है, सुषुप्ति में जानता हुआ नहीं जानता, मान सामान्य ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, विशेष ज्ञान का अभाव ही कहने के लिए कहा, तात्पर्य यही उसका, तो इसका दो अन्य प्रकार से क्या, प्रतिज्ञा वचसी द्वे वा, प्रतिज्ञा वचनी दो है, पश्चन इत्यादि ना उदित, जो पश्चन आदि स्मृति ने कहा था उसके लिए प्रतिज्ञा ही दो है, नहीं थी हेतु वचसी, नहीं आदि जो है हेतु वचन है, द्वेष आता उत्तरित है, आगे दो हेतु वचन हो जाएगा, कैसे ठीक है, कहते हैं तमेव विभागम प्रकटना, वही विभाग दो, प्रतिज्ञा भी दो है, हेतु भी दो है, इसको विभाग कोई दिखाते हैं प्रकरण, तदे तबे विभाग प्रकरण उसका पश्चिम इत्यादि सब उसका ठीक कहा था, पश्चिम वास्तव इत्य प्रतिज्ञोक्ते प्रसिद्ध, पश्चिम आस्ते उसका आदमी भी देखता ही आत्मा सुशुद्धि में भी, इसके ये प्रतिज्ञा है, इसके सिद्धि के लिए हेतु नहीं के वचन उत्तर से अभी हेतु क्या बनेगा, नहीं दृष्टि दृष्टि विभिन्न विद्य में अविनाशित हेतु बनेगा, एक हेतु नहीं गया, इसके लिए पश्चिम वास्ते तत्र सुषुप्ति में देखता हुआ होता है आत्मा, आत्मा का अभाव नहीं है, जगत का अभाव भी सिद्ध कर रहा, अभाव अभाव देख रहा है, इसके लिए हेतु है, नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत विद्युत अविनाशित ये हेतु है, और आगे के लिए दूसरा हेतु न पश्यति वाला जो रहा, पश्चिम तत् तन न पश्यति में, न पश्यति का हेतु क्या है, न तो तत् दीप्ते क्यों नहीं देखता, दूसरा वस्तु नहीं है, न तो तत् दीप्ते वस्तु ततो अन्य विभक्त पश्य, उससे आत्मा से भिन्न कोई हो वस्तु हो, विभक्त अतिरिक्त वस्तु हो तो देखे, अतिरिक्त वस्तु नहीं है इसलिए नहीं देखता, न पश्यति के ये न पश्यति जो प्रतिज्ञा होगी उसके लिए उत्तर होगा नहीं तत् दीप्ते अस्ति ततो अन्य विभक्त पश्यति हेतु वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं उत्तर से न पश्यति इत्यस्य, दो वचन है ना, श्रुति के वचन है, पश्यन वे तन्न पश्यति, न पश्यति वाले का हेतु हो जाएगा, क्यों नहीं देखता सुसुप्त में, देखने की वस्तु नहीं हो एक न तो तत्पति अस्ति ततो अन्य यदि विभक्त पश्यति, आत्मा से भिन्न कोई विभक्त वस्तु हो तो देखे वो है ही नहीं वहाँ इसलिए नहीं देखता। प्रतिज्ञा तो है हेतु तो योज्यम यदि निरांतरवा, दोनों प्रतिज्ञा में दोनों हेतु लगाना चाहिए, पश्चिम में भी लगाना, न पश्यति में लगाना, नहीं वाला भी लगाना और न तो तत्पति अस्ति लगाना, ये दोनों मिला करके अर्थ निकाल लगाते दो बा इत्यादि बोलते हैं, दो बा हेतु यथोक्ता तो दोनों प्रतिज्ञा हो, दोनों हेतु है दोनों प्रतिज्ञा के लिए, पश्चिम वही तन्न पश्यति है प्रतिज्ञा और नहीं द्रष्टु दृष्टि विप्रण को विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्दीप्य अस्ति यद विभक्तम ततो यद विभक्तम पश्यति, पूरा हेतु
पूरा प्रतिज्ञा पूरा ही यथोक्तार्थ हो सावशेषो निर्विशेष उक्तार्थ हो। दोनों प्रकार के सावशेष नाश भी नहीं है, निर्विशेष नाश भी नहीं, आत्मा यही दिखाने के लिए है। यथोक्तार्थ प्रसिद्ध एक अर्थ वही कहा द्वयोरिति पश्यन न पश्यति इति अर्थ पश्यन भाई तन न पश्यति। दोनों ये प्रतिज्ञा एक ही बना दिया, प्रतिज्ञा दोनों में देखता हुआ नहीं देखता उसका अर्थ एक ही प्रतिज्ञा है। और ये तो कि सारे मिल गए कि नहीं द्रष्टु तिष्ठे प्रलोक मिलते अविनाशित्व न तो तद्दीप्य अस्थि ततो अन्य पश्य पूरे मिलके हेतु है। ठीक है, हम कहते हैं अश्विन पक्ष लाभ दोनों माने पश्चन भाई तन्न पश्य दो प्रतिज्ञा किया था पहले और दो हेतु को बनाया था किंतु अभी एक ही बना दे, प्रतिज्ञा भी एक हेतु भी एक मिला करके कहा। इस पर लाभ क्या है आभ्याम इत्यादि कहा हुआ है। आभ्याम संपूय सिद्धोर्थ एवं सति भव्य देता है, ये दोनों के द्वारा मिल करके जो सिद्ध हुआ विषय होगा आत्मा कूटस्थ दृष्टि है, उसका अभाव नहीं होता यही सिद्ध हो रहा है, निर्विकार दृष्टि है यही सिद्ध हो रहा है। आभ्याम दोनों हेतु के द्वारा जो सिद्ध अर्थ है क्या सिद्ध अर्थ होगा एवं सति भव्य देता। दोनों प्रतिज्ञा पहले दो विभाग किया था, एक ही बनाना प्रतिज्ञा को पश्चिम में तन्न पश्चिम एक बनाना किसी को सिद्धि के लिए नहीं द्रष्टु दृश्य विद्यते अविनाशित्वा तु तृतीय अस्थि ततो अन्य पश्य ये सारा हेतु। तो फिर क्या इससे सिद्ध क्या होगा ये दोनों हेतु एक बना करके दोनों प्रतिज्ञा को एक करके सिद्ध जो अर्थ आया है क्या होगा एवं सद भव्य ऐसा होने पर ही वो अर्थ सिद्ध होगा। क्या होगा आत्मा कूटस्थ दृष्टि है विनाश दृष्टि वाला नहीं है ये सिद्ध होता ही। ठीक है, आभ्याम हेतुभ्याम ये दो हेतु नहीं द्रष्टु दृष्टि विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्दीप्यम अस्ति ततो अन्यत् विवर्तम पश्य ये दोनों हेतु संभूय मिलाकर स्थिताभ्याम जो मिलाकर रहने दोनों मिले हुए होते हैं तो उस स्थिति पे स्थित होने पर से आत्मनो दृष्टि दृष्टित्व अनाशश्च आत्मा का जो दृष्टि अनाश है नाश नहीं होता अविनाश होता है, आत्मदृष्टि का नाश नहीं होता विवक्षित अर्थ यही है यथा सिद्ध थे जैसे सिद्ध होता है इसलिए अतो हेतु द्वयम प्रतिज्ञा द्वये योज्यम दोनों हेतु को दोनों प्रतिज्ञा में जोड़ना चाहिए। पश्चिम में तन्न पश्य की प्रतिज्ञा है दो है वहाँ दो को एक ही करना दोनों हेतु न तो यही है नहीं द्रष्टु दृष्टि विपुट को विद्युत अविनाशित्व न तो तद्वितीय अस्थि ततो अन्य पश्य हेतु वाक्य द्वय स्थिति ऐसा दोनों वाक्य एक होने पर कूटस्थ दृष्टि तो आत्मा सिद्ध थे आत्मा कूटस्थ दृष्टि ही सिद्ध हो जाता है। ठीक है, समय हो गया है भाष्य। ओम पूर्णमदः।